हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज हम जिम जाके आ चुके हैं और आज मैंने उठाया इसको सुबह उठ के, और आज मैं पूरे 6 बजे उठी थी। मुझे प्राउड फील हो रहा है ना मेरे में। ओ, 6 बजे उठी थी? 6 बजे उठी थी। और उठ के पता क्या करी थी? फोन चलाई थी। नहीं, फोन नहीं चलाई थी। फोन नहीं चलाई थी। मम्मी को उठाई थी, मतलब मम्मी तो उठी गई थी। मम्मी को बोलती मम्मी जीजा को भी उठा दो, हम लोग जिम जाएंगे और फिर मैं एक्सरसाइज करती। और आज हमने दोनों ने एक्सरसाइज करी आज साथ में। बिलीव नहीं हुआ कि गुन्नू है ना मेरे साथ जिम जाने को तैयार हो गई, वो भी खुद सामने से उठ के। वरना रोज मुझे ये उठाती है। हाँ। और पर मजा आया है। पर मजा आया ना जीजा, आज अपने साथ ने वर्कआउट किया ना। अभी सारा काम तू करेगी। ये तो मूवी लग गई, इसे तो हाथ पकड़ाया था ना, इसे तो उंगली पकड़ाई थी, तो हाथ ही पकड़ने लग गई। पूरा पकड़ लूंगी तेरे को। हाँ, मन कर। झाड़ू तू लगाएगी? हाथ में दर्द हो रहा है, कैमरा गिर जाएगा। गाइस, बहुत गाइस, मैं आपको दिखाती हूं ना पूरा रूम कैसे फैला रखा है। और यही सोई थी रात को इस कमरे में, तो इसी ने फैलाया है। मतलब हेलो गुनो, सुना नहीं मैं? हाँ मैंने फैलाया पर मैं साफ सफाई क्यों करूंगी बताओ? क्यों करूंगी? क्योंकि तूने फैलाया है तो कर देख। तो सोना गाइस देखो, पूरे कपड़े यहाँ पे फैल रखे हैं। और ये ना इसने लड़की ने करेंगे सारे। जब रात को कोई सोता है तो सुबह तो बिस्तर बिखरा हुआ ही रहता है ना, मतलब सोते तो। हाँ तो बिखरा हुआ ही रहता है। हाँ तो उसको साफ भी करना होता है ना। झाड़ू जो लगाएगा वो साफ करेगा, मैं नहीं करूंगी। तेर से मैं पोछा लगवाऊंगी। पोछा लगवाऊंगी तेर से। मैं पोछा लगाना मुझे पसंद है। ठीक है गाइस, ना पूरा काम करके फिर मिलते हैं अपन। ओके बाय बाय। सो गाइज, मैं अभी जिम से आई और मैंने देखा मेरी मम्मी ने घर का क्या हाल कर रखा है। ये देखो भाई, पूरी जगह इतने सारे कपड़े। मम्मी क्या कर रहे हो? ये बेटा ऊनी कपड़े छांट के रखूं, डेली यूज के कपड़े सही करके रखूं। और ये कौन से गर्मी के कपड़े निकाल रहे हो? ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। सर्दी आए तो सर्दी के कपड़े निकालो, गर्मी आए तो गर्मी के कपड़े निकालो। ऐसा होता कि कपड़े लाने नहीं पड़ते भाई। बहुत सारे कपड़े निकले ये तो। और ना मैंने कुछ मंगवाया है गाइज, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखो, दिखाऊंगी लेकिन बाद में दिखाऊंगी। कुछ तो है इसमें, पार्सल आया मेरा, बाद में दिखाऊंगी आपको गुन्नू के आने के बाद। और आज मैं जिम से जल्दी आ गई क्योंकि मैं जल्दी गई थी। अरे यार, ये पीछे हमारे घर भी बन गया, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या क्या हो गया। इतना टाइम हो गया यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, इतने सारे बच्चे खेलने लग गए यहाँ पे। पार्क ही बना दिया इसको तो, खेत को। पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाना है तन्नू की। तो कैसी लग रही है? और ये हमारे साथ फ्री में आ गई है, पता नहीं खाएगी खाएगी पता नहीं पानी के साथ खाएगी बिना पानी के चटनी के साथ पानी के साथ चटोरी लड़की है। चटोरी लड़की है, चटोरी लड़की है, चटोरी भाई है। क्या पानी पताशी खाएगी चटनी के साथ? नहीं, फिर पानी खाएगी पानी के साथ। चटोरी है तू, खट्टी मीठी खाएगी, खट्टी खाएगी, खट्टी खाएगी। चटोरी है, मिर्ची डलवा दो। नहीं, क्यों? मिर्ची लगती है। ठीक है, कौन चीज पटेल, मैं इधर से आऊंगी। हाँ, और तो ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। और तू है ना ऐसे पीछे धक्का देगी मेरे को, ऐसे पीछे तेरी बू की बदबू से मैं सच में बेहोश हो जाऊंगी। रोज मैं कॉलेज में ना, सच में इतनी गंदी बदबू आई, मुझे तो पता ही नहीं था। कॉलगेट करती है ये, देख पहले सूंघ के देख, पहले ये सूंघ के देख ले। कौन सा परफ्यूम ट्राई की थी? सुगली, अभी तो कहाँ कहाँ करी थी। तूने बहुत मस्त है, कुछ सुन के देख। बस एक बार, एक बार, और फिर ऐसे क्यों लगे? इसको क्या हो गया? अब इतना सा कंटेंट। हाँ तो ए पागल हो गए तुम दोनों, कुछ भी मतलब। यार ये अजीब लड़की है, मैं ना ऐसे ऐसे खड़ी रहूंगी और डांस सिखाऊंगी। ये मी ऐसे कैसे कर रही है? ऐसे ही से करना। ये मी यार, इससे बिल्कुल भी डांस नहीं होता। ऐसे कर, ऐसे मी
फंस गई जीजा जीजा अटक गई ये भी नहीं होगा फिर तू करना दूसरा कर बेहुदा लड़की हो दोनों अबे ऐसे नहीं सही से ओए तू गिर जाएगी फिर हट हमारा बैट टूट जाएगा यार ये अजीब ही लड़की है हट जाना यार हट यम्मी करू ये ना व्लॉग देख के पागल हो जाती है भागकर कर और पोछा भी लगाती है वो यम्मी बेहुदा लड़की हो यार बात तेरे को तो क्या करना है जिसका तुझे मेरी दो पागल बहने नहीं फीमेल मुर्गी बैठ भी नहीं पा रही थोड़ा भाई 50 किलो की लेकर उठूंगी 52 किलो की है 52 गिरा दे चीजा भाई बहुत भारी लड़की है हेल्थ के इंतजार का पार्सल मैं लेकर आती हूँ हाँ ठीक है